नमस्कार, न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंतजार है और इसको लेकर अब नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देखिए, जो तिथि इसके लिए तय की गई थी अब उसमें कुछ फेरबदल किया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इस पर भी जो है नया अपडेट सामने आया है। तो क्या कुछ नई जानकारी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। अपडेटेड शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त महीने में अब 7 की बजाय 6 दिन ही चलेगी। पहले कहा गया था कि 31 अगस्त को भी परीक्षा होगी, लेकिन नए शेड्यूल में स्थिति का जिक्र नहीं है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगी। भर्ती परीक्षा सभी 6 दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक एक शिफ्ट में होगी। इस बार होम सेंटर नहीं होगा। वहीं परीक्षार्थियों को 2.5 घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में परीक्षा केंद्रों की सूची और एग्जाम गाइडलाइंस भेज दी है। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले जारी हो सकता है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार पुलिस में कांस्टेबल की 21,391 वैकेंसी भरी जाएगी। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की घटना के बाद केंद्रीय चयन पर्षद ने 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसके बाद 7 और 15 अक्टूबर को परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। और वहीं इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के खास तौर से इंतजाम किए गए हैं, साथ ही नियमों में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में इस बार होम सेंटर नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा के पहले अभ्यर्थियों को जिला बता दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित तारीख के 1 सप्ताह पहले ही प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था बहाल करने के लिए इन्हें जैमर, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। वहीं सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसका मिलान अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद किया जाएगा। वहीं लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रश्न पत्र हल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वालों को ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन की मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों से ही होगी। वहीं आपको बता दें कि इंटरव्यू जो है इसका वो नहीं होगा। वहीं चयन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक कर प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। लिखित परीक्षा महज क्वालिफाइंग होगी। इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण यानी कि फिजिकल टेस्ट में प्रवेश कर पाएंगे। बता दें कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के आधार के मद्देनजर कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल टेस्ट के लिए किया जाएगा। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो पहले भी कराई जा चुकी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसका जो परीक्षा है वो फिर से लिया जा रहा है और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए जो है ये नया शेड्यूल जारी किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।